पिज्जा के पैकेट में लगे इस मामूली से स्टैंड की वजह से कैसे एक आदमी ने 60 करोड़ कमा लिए, जानने से पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो आप जानते ही होंगे कि पिज्जा के पैकेट के खोलने पर वहाँ एक छोटा सा स्टैंड लगा होता है, पर हम इस टेबल पर ना ही तो पिज्जा खा सकते हैं और ना ही पिज्जा को अलग अलग बांट सकते हैं, पर इसका काम क्या होता है फिर? तो जनाब, इसका काम होता है कि वो पिज्जा को उसके कवर से चिपकने ना दे, ताकि उसमें लगा फ्लेवर खराब ना हो जाए। पर आखिर इस पिज्जा सर्वर स्टैंड से कोई साल का 60 करोड़ कैसे कमा सकता है? दरअसल इसे 1983 में अमेरिका के कारमेला विटारा नामक एक आदमी ने पैटेंट किया था, और इसी वजह से जिस भी किसी पिज्जा पैकेट के अंदर ये स्टैंड होता है तो उस पिज्जा की कमाई का थोड़ा हिस्सा इनके नाम हो जाता है। और जहां सिर्फ अमेरिका में हर साल 300 करोड़ पिज्जा ऑर्डर होते हैं, तो वहां इनकी कमाई भी 60 करोड़ हो ही जाती है। वैसे आपको पिज्जा पसंद है या पानीपुरी, कमेंट में बताइए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।